ना कोई पहले मरता है न बाद में, समय है उसका निश्चित, बस उसी के बाद शरीर छूट जाता है। ऐसे ही है, कैसा विचित्र है यह संसार। एक दिन जन्म होता है, एक दिन मृत्यु होती है। कितनी बार इस बात को मैंने कही है कि कहते हैं कि परमात्मा हमें 3 पेज की डायरी देता है और 3 पेज की डायरी में बड़ी बात क्या है, वो 2 पेज पहले ही लिख के भेजता है। क्या लिखना बाकी रहता है? प्रथम और तीसरा पेज वो लिख के ही भेज देता है, 1 पेज बाकी रहता है, दूसरा पेज उसमें लिखना होता है, उसमें लिखना होता है। मतलब एक पेज है जन्म, दूसरा पेज है मृत्यु, तीसरा पेज है मृत्यु, और जो दूसरा पेज है ना वो क्या है? वह है जीवन। तय है, हम लोगों ने चुनाव नहीं किया कि हम कहाँ जन्मेंगे, कब जन्मेंगे, कैसे, ये सारी चीज़ों का हमने चुनाव नहीं किया है कि ये घर हम जन्म लेंगे, ये होगा वो होगा, नहीं। ना हम अपने शरीर के जो कलर है, स्किन का कलर है, उसको चुनाव नहीं करते हैं, वो हमें प्राप्त होता है। धनी अमीर, किसका घर है, कहाँ है, बस हमें मिल गया। मतलब वो हमारे द्वारा नहीं है। जहाँ तक मृत्यु की बात है, वह भी कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, कब मरेंगे, यह हमारे हाथ में नहीं है। ना हमें जन्म का स्मरण है और न ही हमें मृत्यु का अनुभव होगा, और इन दोनों के बारे में यदि जान भी जाएं तो उससे हमको कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ किससे होने वाला है? जीवन को समझने से। तो मैं कह रहा था कि कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, कब मरेंगे, यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे जिएंगे यह हमारे हाथ में है। कैसे जिएंगे यह हमारे हाथ में है। इसलिए हमें जन्म में जो प्राप्त है उसे स्वीकारना है। जन्म के बाद जो प्राप्त है, सद्गुरु कबीर ने जो कहा है, बासी भात मन से लीहल खाए, बड़ो घैल लिए पानी को जाए। बासी भात का मतलब, बासी का मतलब है पुराना, बासी का मतलब है कि सुबह यदि कोई उसको खाता है तो इसका मतलब है वो रात में बना हुआ भोजन, पहले का बना हुआ, उसको बाद में हम खा रहे हैं। साहब कहते हैं कैसे खाएं बासी भात को? मन से, सहज, मतलब प्रसन्नता से खा ले, स्वीकार कर ले उसको, इसका मतलब है प्रारब्ध। बासी भात का मतलब है प्रारब्ध। हमें प्रारब्ध में जो शरीर मिला, जो कतकाठी डील डोल जो भी मिला, एक्सेप्ट, स्वीकार। जो परिवार मिला, स्वीकार। क्यों? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रारंभ में हर बच्चा माता पिता के अंडर में होता है, मतलब माता पिता ही चुनाव करते हैं बच्चे के लिए कि क्या इनको खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, कैसे, क्या नहीं पहनना है, कैसे करना, मतलब सारी चीज़ें, यहाँ तक कि जब किसी स्कूल में भेजना है, कौन सा क्या करना है, कैसे जूता लेना है, क्या
क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना, किस सारी बहुत सी चीज़ों का चुनाव मतलब अधिकतम माता पिता करते हैं। अब स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। अब वो पालन पोषण का उनका अपना ढंग, कैसे पालन पोषण करते हैं वो उनका विषय है। अब वो भी कैसे करते हैं, जो उनके भीतर प्रोग्रामिंग है वही ढंग अपनाएंगे। छोटा बच्चा कुछ जानता नहीं है शुरू में। ये भी कभी कभी कहता हूँ, जब बच्चा छोटा होता है ना, बहुत छोटा, तो उनके माथे पर एक वाक्य लिखा रहता है। जन्म से ही बच्चे के माथे पर एक वाक्य लिखा रहता है। क्या वाक्य लिखा रहता है? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिखाओ, मुझे बताओ। इसलिए हर चीज को देख करके बच्चे प्रश्न करते हैं। हम सब भी उस प्रोसेस से बाहर आए हैं, भूल गए हैं, भूल गए हैं, लेकिन वही एक सिस्टम जिससे क्यों हर चीज उसको अजूबी लगती है, पहली बार कुछ देखता है, तो फिर क्या होता, पूछता है। मतलब मैं कुछ नहीं जानता, और इस क्रियाकलाप में, और कई बार उसको जानने के लिए क्या करता है, हाथ में लेता है, अन्य इंद्रिया तो बहुत सेंसिटिव नहीं, तो वो सीधा मुंह डालता है ना, जानने के लिए मुंह डालता है, ताकि उसके बारे में जानकारी हो, जानकारी हो, जानना चाहता है हर चीज़ को। न जाने इस जानकारी को प्राप्त करने में कितनी गलतियां करता है, क्या करता है, क्या करता है, और फिर उसकी जानकारी को बढ़ाने में माता पिता किस रूप में दे बढ़ाते हैं। अब मारपीट के सिखाते हैं उसको, या प्रेम से सिखाते हैं, डांट टपट के सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, कैसे उनकी गलतियों पर रिस्पेक्ट रिस्पांस देते हैं, ये सारी चीज़ें उनको प्रभावित करती हैं। बहरहाल ये मेरा विषय नहीं है, मैं ये कह रहा था कि चुनाव नहीं है हमारा, तो जो कुछ मिला, लेकिन जब एक समय आया, और समय को मैं अच्छी तरह से कहना चाहूँ तो 18 साल मान लो चलो, यद्यपि आज 18 कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि छोटेपन से ही एक चुनाव, नहीं ये करूँगा, नहीं वो नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ये खाऊँगा, वो नहीं खाऊँगा, ये पहनूँ, चुनाव शुरू कर देता है। चुनाव मतलब अब आप चुनाव करने लग गए हैं, इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं जीवन का। और मान लो आपने 18 साल के पहले किसी प्रकार से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है, चाहे उसमें माता पिता की गलती हो आपके लिए, परिवार और समाज ने त्रुटिपूर्ण कार्य किया हो, या आपसे हुआ हो, अब 18 साल के बाद आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है, आप किसी दूसरे को दोष न दे करके अपने ढंग से जीवन को आगे बढ़ाएं। आप और हम क्या करना है, अब हमारी जिम्मेदारी होती है, भले उसने गलती की है, क्योंकि जो वो समझते थे, जो उनके पास शक्ति थी उसमें उन्होंने बेस्ट किया है, जो उनके पास ज्ञान था, जो समझ थी, जो धन था, जो व्यवस्था थी, उसके आधार पर हर माता पिता अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही करता है, करते हैं, हर बेस्ट ही करते हैं, उन्होंने किया, लेकिन उनसे मुझे कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया, या बहुत विकास नहीं कर पाया, वहाँ से कुछ मुझे कुछ लाभ नहीं मिल पाया, इसके भी लिए आप दोष अब नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं आप। क्यों? अब आप यंग हो गए हैं, समझदार हो गए, तो जीवन को खुद अपने बल पर जीना है, अपने को मोल्ड करना है, अपने को बढ़ाना है इस चीज़ को। कैसे, कैसे, मैंने कहा ना, ये आप और हम सबके हाथ में, कैसे जीना है, कैसे जीना है। इसलिए मृत्यु भी, देखो मृत्यु को भी हम सुखद बना सकते हैं, कमाल की बात है ये, मृत्यु को भी हम सफल बना सकते हैं, और जन्म को भी सफल बना सकते हैं। कब? जब हम जीवन को सफल बनाएंगे, है ना, उसका जन्म सार्थक है जिसने सार्थक जीवन जिया, और जिसने
निरर्थक जीवन जीना जिया, अनर्थक जीवन जिया, निरर्थक नहीं अनर्थक, अनर्थ करने वाला जीवन जिया, न जन्म लेता तो अच्छा। रावण ने कुंभकर्ण से कहा, 6 महीने सोए रह जाते हो, बताओ इतना लंबा समय सोते क्या पाए, क्या पाए। कुंभकर्ण उठा, अंगड़ाई लेते हुए कहा, भैया मैं 6 महीना सोता हूँ तो पूछते हुए क्या पाए, लेकिन आप 6 महीना जागते हैं तो क्या पाते, क्या पाए आप, आप क्या पाए सोचो जरा से। किसी की 4 दिन की जिंदगी बड़ा काम देती है और किसी की 100 बरस की जिंदगी बेकाम होती है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम कितने लंबे समय जिए, महत्वपूर्ण है हम कितना सार्थक जीवन जिए, अपने लिए और समाज के लिए। क्या कर पाए, आपको समाज के प्रति कुछ कंट्रीब्यूशन है, कुछ है जो हम कर पा रहे हैं क्या? इतना ही तो नहीं कि बस किसी भांति उदर पोषण कर लूं, बस जिंदा रह जाऊं और अपने लिए ही सोचूं, बस अपने लिए ही सोचूं, क्या होगा? समाज के द्वारा न जाने कितना बड़ा सहयोग हमको मिलता है। आप एक एक चीज को गौर से देखेंगे ना तो आपको लगेगा जैसे कोई दब रहे ऋण में, आप इतना ऋण हो जाएगा, इतना ऋण हो जाएगा। केवल ऑक्सीजन लेते हैं ना हम लोग, समझ रहे हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जानते हैं कितना लेते हैं रोज के? 3 सिलेंडर के बराबर लेते हैं आप, कितना? 3 सिलेंडर के बराबर। और 1 सिलेंडर मान लो 700 रुपये को हो ना, तो पर डे 21 रुपये का ऑक्सीजन फ्री लेते हैं, 21 रुपये का, 2100 रुपये का रोज आप फ्री ऑक्सीजन लेते हैं। और साल भर में पता है 66,500, और कहीं 65 साल जी गए ना, संतु की बात ही नहीं करता हूँ 80 वाले की, 65 साल जी गए ना, तो 5 करोड़ रुपये का ऑक्सीजन आप फ्री ले लेते हैं। क्या दे रहे हैं आप? एक पौधा भी तो हम नहीं लगाते हैं, एक पेड़ भी तो नहीं रोप पाते हैं, सोच रहे हैं? मतलब मैं ये कह रहा था, अब अपनी ओर से समाज के लिए हम क्या कर पाते हैं? मैंने कहा ना निरर्थक जीवन। ये नहीं कि लंबा जीवन छोटा जीवन, कोई मूल्य नहीं है लंबा और छोटा का, महत्वपूर्ण है आप सार्थक जीवन जी रहे हैं। 4 दिन कम जिए तो कम ही सही, लेकिन जब तक जिए मशाल बन के जिए, 4 दिन कम ही सही, क्या जरूरी लंबा जीवन पाने के लिए? इसलिए हमें सार्थक जीवन जीना है। तो मैं कह रहा था यदि जीवन को सार्थक बनाए तो क्या होगा, मृत्यु भी सार्थक, मृत्यु भी सार्थक। क्या सार्थक का मतलब है, जब आप इस दुनिया से जाएंगे आपकी याद करेंगे, आपने जो सहयोग दिया है ना वो लोगों को स्मरण में रहेगा, वो लोगों के लिए फायदेमंद होगा, फायदेमंद होगा। उपलब्धि क्या है, हम लोगों से पूछे कोई जीवन में क्या उपलब्धि पाए, क्या बताएंगे? या फिर एक बड़े आदमी धनी आदमी से कोई पूछे जीवन की उपलब्धि बताओ, क्या कहेगा? बड़ा सा मकान बनवाया, देखो गाड़ियाँ कितनी अच्छी अच्छी हैं, बड़ा सा परिवार, ये किया वो किया। इन्हीं उपलब्धियों को गिनाएंगे ना, इन्हीं उपलब्धियों को गिनाएंगे, इतना बैंक बैलेंस, इतनी जमीन। अच्छा गुरुदेव जी से कोई पूछता, साहब अपनी उपलब्धि बताइए, तो क्या कहते हैं? आपको लगता है कुछ, समझ रहे हैं? मतलब हम लोग अपने जीवन को इस ढंग से निर्मित कर दें तो कम से कम हम यदि बहुत कुछ न दे सके जीवन में दूसरों को, तो अपने तो सुख और शांति से रहें।
अपने भीतर से कम हम अच्छे से विचारों को क्रिएट कर सकते हैं, शब्दों को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, व्यवहार सही ढंग से कर सकते हैं। यदि मैं इसको और सरल तरीके से बताऊं तो ऐसा व्यवहार तो मैं कर ही सकता हूं कि मेरे द्वारा किसी को चोट न पहुंचे, किसी का अहित न हो, इतना तो कम से कम कर सकता हूं। लेकिन ऐसा भी नहीं कर पा रहा हूं कि मैं न अपने को संभाल पा रहा हूं, न मेरे क्रियाकलापों को संभाल पा रहा हूं, और क्या हो रहा है, स्वयं दुखी, दूसरों को दुख देने का कारण बना हूं। मृत्यु भी निरर्थक है, क्यों जी इतना लंबा, पहले ही मर जाना था, कोई जरूरत नहीं थी जीने की। कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, कैसे है पूरा मंत्र, ज्ञानम न शीलम न गुरु न धर्म न तपो न दानम। हाँ, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, भूल ही गया सब सब भूल ही गया पहले वाली बात, ये शाम न विद्या तपो न दानम न चापिका, नहीं ये भूल गया। खैर, तो कहने का मतलब यहाँ नीचे आया है मृगाश्चरन्ति, ये जिसे कोई एक मृग कोई पशु चर रहा हो वैसे ही हम लोग का है। ते भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ये भूमि के भार रूप हैं, हम सब भार रूप हैं। और कितनी बार मैंने कहा है इस चीज को, जहाँ तक हम लोग साधु सब बैठे हुए हैं, साधु उपार्जन नहीं करता है, ध्यान दो, उपार्जन नहीं करता है, धनोपार्जन नहीं कर रहा है, लेकिन जीवन जी रहा है, किसी के द्वारा मिल रहा है। मतलब वे लोग जो सचमुच सीधे तरफ से अर्थोपार्जन करते हैं, धन कमाते हैं, अन्न पैदा करते हैं, वे लोग हम लोगों को देते हैं, देते हैं, जानते हैं, जो लोग बड़ी श्रद्धा से देते हैं, उस श्रद्धा को पचाना कोई सामान्य काम नहीं है। यदि लोगों के द्वारा श्रद्धा से मिली हुई चीज का हम सही उपयोग नहीं करें, सही उपयोग का मतलब क्या है, वो जो देते हैं धन किस लिए देते हैं, उदर पोषण के लिए, उदर पोषण के लिए, लेकिन वह उदर पोषण किसके लिए हो, हमारे विवेक का पोषण हो, हमारे हमारी साधना का पोषण हो, हमारी जागरूकता का पोषण हो, शांति का पोषण हो, और नहीं तो फिर वो निरर्थक है। फिर आप समझ लीजिए, मतलब आपको फिर हम सबको उसका बदला देना पड़ेगा। ये मान करके चलिए कि यदि हमने उसका कहीं धन का हमने उपभोग किया है और वैसे कहीं हमने अपने संयम का संवर्धन नहीं किया है, विवेक का संवर्धन नहीं किया है, साधना का विकास नहीं किया है, और कहीं हमने असंयम का विकास किया है, तो आप पुण्य नहीं पाप कमा रहे हैं, समझ रहे हैं, ये पुण्य नहीं होगा पाप कमाना होगा। गुरुदेव जी से अयोध्या में काठमांडू के एक संत ने पूछा कि साहेब जी, भगत लोग हमको देते हैं, ऐसा करते हैं, तो फिर हमें भी उसका देना पड़ेगा, उसके बदले में कुछ चुकाना पड़ेगा। तब गुरु जी ने क्या उत्तर दिया था, हाँ, यदि हमने उनके धन का सही उपयोग नहीं किया, साधना में जीवन नहीं बिताया, तो बैल बन करके उनके घर छूटना पड़ेगा। ये साहब का उत्तर था, कठोर है ना, कठोर है ना। ये इसीलिए है कि हम जीवन का दुरुपयोग न करें, समझ रहे हैं ना, बहुत मस्त अवसर मिला हुआ है, इसलिए जीवन सार्थक उसी का है जिसने अपने जीवन में साधना को, संयम को, विवेक को,
और करके शांति का अनुभव किया है। और देखिए ऐसा कर लेने से ना, ये ज़रूरी नहीं कि आप पुस्तकें लिखें, बहुत ज़्यादा प्रवचन से लोगों में परिवर्तन लाएं, करें अच्छी बात है, लेकिन मान लो उतनी प्रतिभा नहीं है, लेकिन आप खुद शांत रहते हैं ना, तो आपके द्वारा शांति प्रवाहित होती है। हमारे भीतर में प्रेम है, हमारे भीतर में मैत्री है, हमारे भीतर में शीतलता है, वो फैलेगी, वो फैलेगी। लेकिन द्वेष और नफरत है ना, वो भी एक रेडिएशन की तरह है, वो भी फैलता है, इतना वातावरण को प्रदूषित करता है। मैं क्या बताऊं, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। एक आदमी क्रुद्ध हो, एकदम उत्तेजित हो, हर ढंग से आंखें लाल तमतमाई हुई हो, आप उसके नज़दीक जाने से डरेंगे, है ना? मुंह से नहीं बोल रहा है भले ही, लेकिन उनके चेहरे को देख करके आप भय खाएंगे। जानते हैं छोटे बच्चे, छोटे बच्चे सबकी गोद में नहीं जाते हैं, समझ रहे हैं? सबकी गोद में नहीं जाते हैं, वो देख के वहाँ से जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है ना, इतना उसमें, तभी तो चुंबक इतना मजबूत है बच्चों का कि वो बहुत जल्दी उसको रिसीव कर लेते हैं और वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के गोद में वो जल्दी जाना चाहेंगे जहाँ से प्रेम और वात्सल्य का झरना झर रहा है, आप बिल्कुल हाथ उठा देंगे उनके तरफ जाने के लिए। क्यों? वहाँ से एक ऐसा स्रोत, ऐसे झरना फूट रहा है जहाँ पर शीतलता है। इसी प्रकार से हम भी उन लोगों के पास ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जो खुशदिल हो, प्रसन्न हो और हमें भी अच्छा महसूस कराए, हमारी आलोचना करे, हमको डांटे फटकारे, हम पर क्रुद्ध हो, हम हाथ जोड़ते हैं ऐसे लोगों से, मतलब बचना चाहते हैं। बहने का मतलब यह है, यदि ये सब भी साधना करते हैं तो भी हमारा जीवन सार्थक होता है। बात यहाँ पर उठी थी कि जन्म मिला है इसे सार्थक बनाना है, मृत्यु भी सार्थक हो जाएगी। कबीर साहब जी ने क्या कहा है, कबीर जब हम पैदा हुए जगहाँ से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए, नहीं तो ऐसा ना हो, बहुत अच्छा हुआ मर गया। एक आदमी था, बाहर जा गया था, दूसरी जगह रहता था, कुछ काम धाम करता रहा, बीमार पड़ गया, ऐसा लगा जैसे मर जाएगा। लोग खड़े हुए, लोगों ने कहा अरे आदमी ये मर जाएगा, तो कोई रोने वाला है कि नहीं इनके आसपास में, कोई परिवार के नहीं, अकेला है। वो मरता हुआ आदमी क्या कहता है, कोई तो नहीं है लेकिन दो आदमी ज़रूर रोएंगे। कौन? एक घर मालिक रोएगा और दूसरा वो दुकानदार रोएगा जहाँ से मैं सामान लाता हूँ, 6 महीने से पैसा नहीं दिया हूँ और 6 महीने से घर मकान को मैं किराया नहीं दिया हूँ घर मालिक को, समझ रहे हैं क्या है इसका अर्थ है? समझ रहे हैं? मेरा मतलब यह है कि जो कुछ मिला वो छूटेगा, कुछ भी, अब एक तृण भी अपना नहीं है, किसके लिए हाय तोबा मचा रहे हैं, क्यों शांति का अनुभव नहीं करते? साहब ने गुरुदेव जी की एक पंक्ति याद आई, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, जो मिलता है छूट जाता है, जुड़ता सो टूट जाता, जन्म लिया सो मर जाता है, संग्रह सब लुट जाता, संप्रति जो चेहरे दिखते वे ओझल होते जाते, सारहीन सपने समान है जग के सारे नाते, दादों बाबों परपाजों का पता नहीं चलता है, जो उठ करके चल देता है पुनः नहीं मिलता है, कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, धरने वाला चल देता है रह जाती है छाती, जहाँ नहीं तृण भी अपना है क्या ममता की जाए, शोक मोह रोना धोना क्या क्या सोचे पछताए, जग की जितनी स्थितियां हैं भरी साति सहता से, नित्य निरति से शुद्ध शांत तू स्थित तन्मयता से।
जो मिला है वो छूटेगा। साहब ने कहा संप्रति जो चेहरे, संप्रति मतलब वर्तमान में, संप्रति जो चेहरे दिखते वे ओझल होते जाते, सारहीन सपने समान है जग के सारे नाते। क्या कमाल की पंक्ति गुरुदेव जी लिखते हैं, दादों बाबों परपाजों का पता नहीं चलता है, जो उठ करके चल देता है पुनः नहीं मिलता है। कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, धरने वाला चल देता है रह जाती है थाती। एक कण भी तो अपना नहीं है, किसके लिए है तो बाहल्ला गुल्ला मचाया, राग द्वेष नफरत घृणा नहीं। बंधुओं ये जीवन कितना अच्छा मिला है और अवसर भी इतना है, मैं क्या बताऊं, इतना मौका है। अभी सुन ही रहा था, रोज सूर्य निकलता है और एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और शाम को अस्त होता हुआ सूर्य पूछता है दिन में क्या किया, पूरे दिन में क्या किया, क्यों, जो हम करते हैं उसके उत्तर दवाई तो हैं, लेकिन जो हम नहीं करते जिसे हमें करना चाहिए उसके भी उत्तरदायी हैं, उसके भी उत्तरदायी हैं। इसलिए क्या पाए, तो सूर्य की रोशनी आती है, प्रथम सूर्य उदय होता है और एक मौका, एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है, और अस्त होता हुआ सूर्य क्या पूछता है, क्या पाया आज, क्या उपलब्धि की आज। बहुत ऐसे दिन बीत जाते हैं हम यूं ही बिता देते हैं, आवश्यकता है हर दिन को सार्थक करें।